हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट किए थे आरएसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाना। आज भी मैं आरएसी से रिलेटेड कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं। आज मैं लगभग 23 क्वेश्चन समझाऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर होगा फ्रेंड्स, वह होगा 38 से लेकर 60 के बीच में। इससे पहले के जो भी 37 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, वह भी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है आरएसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं करता हूं आज का वीडियो स्टार्ट। ऐसे जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ना ही बेल आइकॉन को दबा के रखे हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, अब सिर्फ आपको ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना। क्वेश्चन में लिखा है, द डोर ऑफ अ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड अ रूम वाज लेफ्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा फ्रेंड्स, अगर हमारा चालू रेफ्रिजरेटर या फ्रिज है, अगर चालू है और उस टाइम उसका गेट ओपन कर दें, मतलब उसका गेट जो रहता है उसको खुला छोड़ दें, तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि क्या इफेक्ट होगा रूम के अंदर। जैसे कि लिखा है पहले में कि रूम ठंडा होगा, या जो भी होगा, जो भी हमारा रूम होगा वह थोड़ा ठंडा होगा, या धीरे धीरे गर्म होगा, या कमरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि कई लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि रूम ठंडा होगा, लेकिन याद रखें रूम ठंडा नहीं होगा, रूम क्या होगा, धीमे धीमे गर्म होगा। इसलिए इसका आंसर जो भी होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब भी हम फ्रिज का अगर डोर ओपन करके छोड़ दें तो हमारा रूम धीमे धीमे गर्म होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर मिल गया होगा। ये हमने कुछ नोट्स लगा रखा फ्रेंड्स कि हम जो आरएसी की हमने जो भी पीडीएफ बनाई है फ्रेंड्स, अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो आपको 29 रुपए खर्च करना पड़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स, एक्सप्लेन हिंदी में किया है, हर एक आंसर को एक्सप्लेन किया गया उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको खरीदना चाहते हैं तो 29 रुपए आप खर्च कर सकते हैं। इसको खरीदने के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया फ्रेंड्स, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फोन पे नंबर भी है, इस पर 29 रुपए आप इस नंबर को सेव करके उस पर पे कर दें और उसका स्क्रीन शॉट लेकर इस नंबर पर हमें सेंड कर दें, तो हम आपको जो भी पीडीएफ होगी आरएसी की उसको भेज देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल। कौन सा ऐसा फ्रेंड्स रेफ्रिजरेंट है जो हाईली टॉक्सिक रहता है, जो भी हमारे हानिकारक रहता है और ज्वलनशील, मतलब जिसमें आप जल्दी लग जाती है। फ्रेंड्स इसका नाम आप रट लें, यह होता है अमोनिया। क्या होता है फ्रेंड्स, अमोनिया एक ऐसा रेफ्रिजरेंट रहता है जो कि फ्लेमेबल रहता है और हाईली टॉक्सिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली। कौन सा है, कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली। व्हाट इज द प्रोसेस कॉमनली रेफर्ड, कौन सी प्रोसेस इसके अंदर होती है, वह होती है फ्रेंड्स ड्राई कंप्रेशन। कौन सी होती है फ्रेंड्स, ड्राई कंप्रेशन। तो इसका आंसर कौन सा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्रेंड्स, द रेफ्रिजरेशन प्लांट्स, इसकी बात कर रहा है, जो रेफ्रिजरेशन प्लांट रहता है आर चार्ज बाय रेफ्रिजरेंट्स फ्रॉम द सिलेंडर एट द, किसकी पूछा, किस पर होता है, ठीक है, तो वह होता है रिसीवर पर। किस पर फ्रेंड्स, रिसीवर पर। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट्स होता फ्रेंड्स, वह चार्ज होता किसके, कौन से रेफ्रिजरेटर के द्वारा, फ्रॉम द सिलेंडर एट द सिलेंडर से, और किसके ऊपर, तो होता है रिसीवर के ऊपर। किसके ऊपर, रिसीवर के ऊपर। तो फ्रेंड्स यह 41 जो क्वेश्चन नंबर है वह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखें, क्योंकि रेफ्रिजरेशन प्लांट की बात की गई फ्रेंड्स, यह एक चैप्टर भी है हमारे रेफ्रिजरेशन में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, इन सब के आप आंसर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसके बेसिक कंसेप्ट मैं समझा देता हूं न्यूमेरिकल के। लिखा है, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दी है 80%, इफ द साइकिल डायरेक्शन द रिवर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। 80% एफिशिएंसी दी है फ्रेंड्स, और रिवर्स जो भी एफिशिएंसी होती है कार्नोट साइकिल की, उसके बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं, इसको मैं समझा देता हूं। इफिशियंसी दी है हीट इंजन की 80%, कार्नोट साइकिल की हमें क्या करना है, जो भी रिवर्स कार्नोट साइकिल है उसकी सीओपी निकालना है।
तो हम जानते हैं फॉर्मूला, अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं डाला है, तो इसको आप ध्यान से समझ लें और ये फॉर्मूला भी याद कर लें कि जो हीट इंजन की इफिशियंसी इक्वल होता है 1/COP SP, क्या होता है 1/COP SP जो भी हीट पंप की होती है। ठीक है, अब हमें हीट पंप की सीओपी निकालना जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 80% दी है इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस में और इसको नीचे ला देंगे। यहाँ पर ये किया गया, इसको कहाँ लाए, नीचे, जहाँ 0.8, क्योंकि हम परसेंटेज में वैल्यू नहीं रखते हैं, उसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बचेगा 0.8, तो 0.8 यहाँ लिख दिया फ्रेंड्स। इसको इसमें डिवाइड किया तो कितना है 1.25, क्या है फ्रेंड्स 1.25। अब जब इतना आ गया फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं जो सीओपी रिवर्स कार्नोट साइकिल की होती है और एचपी में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में रिलेशन होता है फ्रेंड्स सीओपी आर की इक्वल टू होता है सीओपी एचपी माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने क्या किया फ्रेंड्स, जो सीओपी एचपी यहाँ इस फॉर्मूले से निकाली है उसको यहाँ रख दिया, माइनस 1 जो ऑलरेडी फॉर्मूले में था, तो हमारी 0.25 क्या आ गई, सीओपी और रेफ्रिजरेटर की आ गई। तो हमें क्या निकालना था, रेफ्रिजरेटर की या कार्नोट साइकिल पर वर्क करता फ्रेंड्स यह, तो उसी की हमें क्या निकालनी थी, सीओपी निकालनी थी। तो कितनी आ गई, 0.25 आ गई, 0.25 डी वाला ऑप्शन है, तो यह करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर आपको मिल गया होगा फ्रेंड्स, और एक कंसेप्ट भी पता पड़ गया होगा फ्रेंड्स एक नए न्यूमेरिकल का, कि किस तरह इस तरह के न्यूमेरिकल परसेंटेज में अगर इफिशियंसी दी है तो कैसे सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। विच सॉल्यूशन इज यूज इन आइस प्लांट, जो आइस प्लांट है उसमें कॉस्ट किस टाइप का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो यह होता है फ्रेंड्स ब्राइन सॉल्यूशन। कौन सा होता है फ्रेंड्स, ब्राइन सॉल्यूशन, इसको आप याद कर लें या फिर रट लें, कौन सा वो होता है ब्राइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था थ्रॉटलिंग ऑपरेशन इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज कैरिड आउट, जो थ्रॉटलिंग ऑपरेशन होता है फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर वह किसमें कैरी आउट होता है, तो फ्रेंड्स यह होता है एक्सपेंशन वाल्व में, किसके अंदर फ्रेंड्स एक्सपेंशन वाल्व में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा, आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं फ्रेंड्स तो खरीद लें, सिर्फ 29 रुपए आपको लगेगा, 29 रुपए बहुत कम होता है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको लगेगा कि 29 रुपए बहुत कम है उसका। ठीक फ्रेंड्स, आप खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लें और खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा था केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरॉन 12, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ऐसे और भी केमिकल फॉर्मूला होता है जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वह भी हमें याद होना चाहिए, तो मैं और भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, जिससे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वह भी आप सॉल्व कर सके। तो इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ये सारे रेफ्रिजरेंट लिखे हैं फ्रेंड्स, इनके कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, इनको आप याद रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर R12 का पूछा गया तो ये तो आप बता देंगे, लेकिन और भी अगर पूछे आते तो आप उनके भी आंसर दे सकते। तो यहाँ पर मैं R12 का ओनली बता रहा हूँ, R12 इज इक्वल टू क्या, CCl2F2, यहाँ लिखा CCl2F2, तो इस पर मैं टिक कर देता हूँ फ्रेंड्स, इसका आंसर मिल गया होगा। और भी आप नोट करना चाहते हैं इन सभी रेफ्रिजरेंट के फॉर्मूले तो आप इनको नोट कर लें, क्योंकि और किसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स तो आप उस पर भी सही टिक कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फ्रेंड्स लिखा है सिंपल सैचुरेटेड रेफ्रिजरेशन साइकिल हैज द फॉलोइंग पॉइंट्स, एंथैल्पी आफ्टर कंप्रेशन इतनी दिए, एंथैल्पी आफ्टर थ्रॉटलिंग इतनी दिए, एंथैल्पी बिफोर कंप्रेशन इतनी दिए, निकालना का सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। फ्रेंड्स इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं, समझाता भी हूं, क्योंकि यहां पर एंथैल्पी के रूप में डाटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक साइकिल दिख रही होगी जिसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि H1 कहाँ है फ्रेंड्स, H2 कहाँ है, H3 कहाँ होता है, H4 क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कंडेंसर, थ्रॉटल वाल्व, कंप्रेशन और एवेपोरेटर के अकॉर्डिंग क्या रहती है, जो भी एंथैल्पी गिवन रहती है, जैसे क्या लिखी एंथैल्पी बिफोर कंप्रेशन, यहाँ पर लिखा है एंथैल्पी आफ्टर कंप्रेशन, एंथैल्पी आफ्टर थ्रॉटलिंग, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, H2, H3, H4 और H1। फ्रेंड्स तो यहाँ से आप देख सकते हैं, याद रखें ये H1 लिखा हुआ है, यहाँ पर H2 लिखा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर H3 लिखा हुआ है और यहाँ पर H4 लिखा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा H1, H2, H3 और H4 यहाँ पर हमने लिख लिया फ्रेंड्स जो भी डाटा गिवन है। अब जो सीओपी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वह होता है H1 - H4 / H2 - H1, जिसे बोलते हैं ऊपर को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर वर्क। जो भी डाटा यहाँ गिवन है उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया फ्रेंड्स, 5 आंसर आया, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लिखा है कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन इतने इतने टेम्परेचर, द फ्रैक्शन ऑफ कूलिंग इफेक्ट रिक्वायर्ड एज वर्क इनपुट, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज दी है, इसके अलावा जो कूलिंग इफेक्ट रहता है वह निकालना है।
यह एक न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, और नीचे वाला भी एक न्यूमेरिकल है। तो दोनों न्यूमेरिकल को मैं समझाता हूं, सबसे पहले 47 नंबर क्वेश्चन के आंसर को और जो भी सॉल्यूशन है उसको मैं समझा देता हूं। फ्रेंड्स यहां पर देख रहा हो कूलिंग इफेक्ट है जो सीओपी निकालती, टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल होगा। एल का मतलब लोअर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर होता है, एच का मतलब हायर टेम्परेचर, जो भी हायर टेम्परेचर बॉडी होती है उसका टेम्परेचर, एल मीन्स लोअर टेम्परेचर। ठीक है, वर्क डन निकालिंग का फॉर्मूला नीचे होता है, ऊपर क्या होता है जो भी हमारा कूलिंग इफेक्ट रहता है उसका टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेम्परेचर दिए उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, लेकिन आंसर किसमें परसेंटेज में पूछा है, इसलिए हमने क्या किया परसेंटेज में बदलने के लिए जो भी सीओपी यहाँ पर आएगी या जो कूलिंग इफेक्ट आएगा उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने क्या किया 100 का मल्टीप्लाई किया। जब 100 का मल्टीप्लाई किया तो फ्रेंड्स आंसर क्या आएगा 10% वाला आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स यह आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल है। लिखा है कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल है जस्ट सीओपी ऑफ 4, सीओपी कितनी दी है 4 दी है, द रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स सीओपी गिवन है और जो हायर टेम्परेचर रहता है टीएच बटे टीएल, इन दोनों का रेशो हमें निकालना है। कैसे निकालते फ्रेंड्स यह भी मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीओपी का फॉर्मूला लिखा है वह आप जानते होंगे, टीएल अभी जस्ट ऊपर भी बताया बटे टीएच माइनस टीएल, यहाँ T1 T2 भी लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया मैंने लोअर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर रहता है और हायर बॉडी जो भी हायर टेम्परेचर बॉडी रहती है उसका टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हमें क्या निकालना हायर टेम्परेचर बटे लोअर टेम्परेचर बॉडी का रेशो निकालना। तो फ्रेंड्स इसको क्या किया मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, जब नीचे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा और टीएच अपॉन टीएल हो जाएगा, और इस टीएल के बटे भी टीएल डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। याद रखें टीएल बटे टीएल करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और टीएल इसके डिवाइड करेंगे तो टीएल ही आएगा, और इसके डिवाइड भी टीएल कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि टीएल टीएल से कट जाएगा और इस तरह ऊपर भी टीएल टीएल से कट जाएगा, मतलब मैंने सभी वैल्यू में टीएल का डिवाइड कर दिया। ठीक है, याद रहेगा, तो इसलिए हमें ये वाला रेशो निकालना है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर जो भी 4 सीओपी दिए फ्रेंड्स उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इसको सॉल्व करना, तो फ्रेंड्स इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले इधर ले गया और 1 में क्या किया 4 का भाग दे दिया तो 0.25 आ गया। अब हमें इसका रेशो निकालना, तो 1 कहाँ जाएगा इधर जाएगा, तो 1 इधर जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा तो 1.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए टीएच अपॉन टीएल क्या कर दिया मैंने 1.25, इसका आंसर समझ में आ गया होगा, डी वाला ऑप्शन 1.25 करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी न्यूमेरिकल एक नया होगा आपके लिए, समझ में आ गया होगा किस तरह की न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज बेस्ड अपॉन, जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है किस पर बेस्ड रहता है। तो फ्रेंड्स यह रहता है कार्नोट साइकिल पर या कार्नोट रिवर्स साइकिल पर बेस्ड रहता है, यह आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि किस पर बेस्ड रहता है, तो होता है कार्नोट साइकिल या फिर कार्नोट रिवर्स साइकिल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द थ्रॉटलिंग ऑपरेशन इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज कैरिड आउट, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है जो थ्रॉटलिंग ऑपरेशन होता है जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर रहता है उसमें कैसे कैरिड आउट होता है। तो फ्रेंड्स यह जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वह होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, किसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, याद आएगा इसके अंदर होता है कैपिलरी ट्यूब, यह क्वेश्चन भी अच्छा है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिलरी ट्यूब आप याद रख लें, जो भी हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो थ्रॉटलिंग ऑपरेशन होता है फ्रेंड्स वह किसके अंदर होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल है, लिखा है हीट पंप वर्किंग ऑन अ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल एज अ सीओपी दी है, इट इज अ मेड टू वर्क एज रेफ्रिजरेटर विथ 1 kW वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट भी दिया है, द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना, क्या निकालना फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यह भी न्यूमेरिकल एक नया होगा फ्रेंड्स, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं। फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ सीओपी और सीओआर की, जो रेफ्रिजरेशन की सीओपी और हीट पंप की सीओपी उनमें कुछ रिलेशन होता है फ्रेंड्स, तो सीओपी एचपी इक्वल टू होता है 1 + COPR, सीओपी एचपी की यहाँ पर देख दिए 4 फ्रेंड्स, उसको मैंने पुट कर दिया 1 + COPR रेफ्रिजरेशन की हो गई। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा 1 इधर पहुंच जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर सीओपी जो रेफ्रिजरेटर की कितनी बचेगी 3 बचेगी। अब सीओपी जो रेफ्रिजरेटर की होती है फ्रेंड्स वह हम जानते हैं जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रहता है, क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन होता है जो भी हमारा वर्कआउट है। ठीक है, वर्कआउट आउटपुट कितना दिया 1 kW दिया, तो हमने इसको रख दिया 1 kW ऊपर, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है तो उसको मैंने लिख दिया, यहाँ सीओपी ऑलरेडी 3 निकाल चुके तो उसको यहाँ पर लिख दिया, इसका इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा निकल आएगा, कितना निकल आएगा 3 kW, 3 किलोवाट, कौन सा सी वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, यह करेक्ट हो जाएगा।
तो इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्रेंड, ड्यूरिंग अ रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स कि किस पार्ट स्रोत, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, पार्ट्स लगा रहता है जिसमें हीट रिजेक्ट करता है, कौन, रेफ्रिजरेटर। तो फ्रेंड्स याद रखें रिसीव कहां पर करता है, एवोपरेटर के अंदर, लेकिन रिजेक्ट कहां करता है, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर जो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां पर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर हीट को रिजेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, साइकिल अगर आपको याद होगी तो याद आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, या फिर आपको साइकिल पूरी याद होगी तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर भी आप आसानी से दे पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिखा है इन एन आइडियल ब्रेटोन रेफ्रिजरेशन साइकिल, किसकी बात कर रहा है, इन एन आइडियल ब्रेटोन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट होता है फ्रेंड्स इसमें होता है रिमेन्स एज अ गैस थ्रू आउट। क्या होता है, जो भी रिमेन्स एज अ गैस थ्रू आउट, ठीक है, जो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट, जो भी रेफ्रिजरेंट रहता है किसके अंदर, ब्रेटोन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, कौन से रेफ्रिजरेटर यूज किया जाए कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो है कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो फ्रेंड्स 54 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा किया जाए, फ्रॉन 22, कौन सा किया जाए, फ्रॉन 22। तो फ्रियॉन 22 फ्रेंड्स ये याद रखें, इस पर क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वाला हमारा जो भी है रेफ्रिजरेंट उसको आप याद रख लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा है एयर रेफ्रिजरेशन इज परफेक्ट प्रिफरेबल यूज इन एयरक्राफ्ट बिकॉज, जो भी एयर रेफ्रिजरेशन जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स वह प्रिफरेबल रहता है किसके, एयरक्राफ्ट के लिए, क्यों। तो फ्रेंड्स यह होता है इट्स वेट पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज लो, कैसा रहता है, जो भी वेट रहता है पर टन फ्रेंड्स वह कैसा रहता है, लो रहता है। जो रेफ्रिजरेशन का फ्रेंड्स जो वेट रहता है पर टन वह कैसा रहता है, लो रहता है, इसलिए इसमें क्या एयर रेफ्रिजरेशन यूज किया जाता है किसके अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर। याद रहेगा फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो एयर रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर एयर रेफ्रिजरेशन क्यों यूज किया जाता है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो उसका आंसर फ्रेंड्स जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन का वेट रहता है पर टन वह कैसा रहता है, लो रहता है, इसलिए यूज किया जाता कौन सा, एयर रेफ्रिजरेशन। तो एयर रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए फ्रेंड्स पिछले वीडियो में, वह भी आप अच्छी तरह देख लें सभी वीडियो को, जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन और भी आए तो उसके आंसर दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द रेट एट विच द हीट इज एब्जॉर्ब इन अ साइकिल फ्रॉम द इंटीरियर स्पेस टू कूल्ड इज कॉल्ड। तो वह होता है फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्या होता है, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था कि रेट एट विच द हीट इज एब्जॉर्ब इन अ साइकिल फ्रॉम इंटीरियर स्पेस टू बी कूल्ड इज कॉल्ड। जो भी हमारी हीट ऑब्जर्व की जाती है साइकिल के अंदर, जो भी इंटरनल स्पेस रहता है उसको कूल करने के लिए, वह उसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह किसके लिए की जाती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए, किसके लिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, लिखा है वेल कॉलमैन साइकिल इज, जो वेल कॉलमैन साइकिल फ्रेंड्स वह किस टाइप की साइकिल होती है, तो यह होती है रिवर्स जूल साइकिल। कौन सी होती है फ्रेंड्स, रिवर्स जूल साइकिल टाइप्स की साइकिल होती है बेल कॉलमैन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द कंडेंसर एंड एवोपरेटर ट्यूब्स इन अ फ्रॉइन रेफ्रिजरेशन प्लांट आर मेड ऑफ, जो भी कंडेंसर एंड एवोपरेटर ट्यूब्स होते हैं, जो हमारा फ्रॉइन रेफ्रिजरेशन होता है प्लांट होता है उसके अंदर किस मटेरियल के बने रहते हैं, तो फ्रेंड्स यह बने रहते हैं कॉपर के, किसके, कॉपर के। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहेगा, कॉपर के बने रहते हैं, ये हमने बताया था। आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इसको जरूर खरीदें 29 रुपए में, और इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे पे कॉन्टेक्ट करके खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कूलर, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर कूलर रहता है द वाटर चिलिंग सर्किट इज नॉर्मली, जो वाटर चिलिंग जो वाटर को ठंडा करता है उस सर्किट के बारे में पूछ रहा है। तो नॉर्मली होता फ्रेंड्स इसका जो आंसर देखें मेड विथ रेफ्रिजरेंट कॉइल, किसके द्वारा बनाया था, मेड विथ रेफ्रिजरेंट कॉइल, जो रेफ्रिजरेंट कॉइल रहती फ्रेंड्स बाउंडेड आउटसाइड द वाटर स्टोरेज टैंक, जो वाटर स्टोरेज टैंक रहता है फ्रेंड्स उसके आसपास क्या रहता है, बाउंडेड रहता है, बंधा हुआ जिसे बोलते हैं, कौन सा रहता है, मेड ऑफ विथ रेफ्रिजरेंट कॉइल, कौन सी कॉइल यूज की जाती है, रेफ्रिजरेंट कॉइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स, द कैपिलरी ट्यूब एज एन एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज, जो कैपिलरी ट्यूब रहती है फ्रेंड्स वह एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर यूज की जाती है फ्रेंड्स, वह किस टाइप की रहती है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज की जाती है, वाटर कूलर्स के अंदर यूज की जाती है, रूम एयर कंडीशनर के अंदर यूज की जाती है। तो अब एयर फ्रेंड्स जो कैपिलरी ट्यूब है जो एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर यूज की जाती है वह तीनों टाइप के जो भी यहाँ पर सिस्टम के नाम लिखे हैं वह यूज की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा, ये आज के मेरे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अगर आपको जो भी मैंने क्वेश्चन बताए और आपको समझाए अगर आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।